मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 77 दिनों की न्यायिक हिरासत के बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बीते मंगलवार को रांची में ईडी की विशेष अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनकी अधिवक्ता ने उन्हें जमानत देने की गुजारिश की, लेकिन ईडी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से वक्त देने की मांग की। इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त को मुकर्रर की कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंगल के आवास और उनसे जुड़े 2 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे। बाद में बीते 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंगल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के अभियंता राम विनोद सिन्हा और राजेंद्र जैन, साथ ही जय किशोर चौधरी खूंटी और विशेष प्रमंडल तत्कालीन कार्यपाल अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के धारा 3-4 और पीसी एक्ट के संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बाकी देखना यह है कि कब पूजा सिंगल की रिहाई होती है और कब वो जेल से छूटती है और कब तक इस केस में अगली सुनवाई होती है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।